सर बहुत मुश्किल है सर, ये है वो है, सर के सामने जाता था परेशानी गिनाता था, बोलता सर पैसे नहीं आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं सर पॉकेट से। एक दिन सर ने एक एक्सपेरिमेंट मुझे दिखाया, जो एक्सपेरिमेंट आज आपको दिखा रहा हूं मैं। कार्ड खेलें, कार्ड पत्ते, ताश के पत्ते खेलें? हाँ, मेरे अपलाइन ने मेरे सामने रख दिया, मेरे अपलाइन ने ये कार्ड के पत्ते मेरे सामने रख दिया और ऐसे खोल दिया और बोला निकालो। मैंने निकाला, क्या आया? छक्का। मेरे अपलाइन ने बोला निकालो, मैं निकाला, क्या आया? क्या है? जोकर। बोला निकालो, क्या क्या आया? जोकर। अप्लाई ने बोला ढूंढता क्या है आदमी, ताश के पत्ते में ढूंढता क्या है? एक का। बोला कितना ट्राई में निकालोगे? दो चार ढूंढा मैं, नहीं निकला। बोले अब छोड़ दो। नहीं सर मैं निकाल लूंगा। नहीं छोड़ दो। नहीं सर निकालो। कैसे निकालोगे? बोला 52 पत्ता है ना सर, 52 देखूंगा निकल जाएगा। मैं ट्राई करते गया और आ गया इक्का। कोशिश का गेम है ड्यूसॉफ्ट। कौन पत्ते कहां है, कौन पत्ते कहां है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, पर हमें यह जरूर पता है कि इसी धरती पे एक के हैं और हम पहुंचेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। एक चीज आपको बता दूं कि दुनिया में एक इंसान किसी और को हीरो बनता हुआ देखना नहीं पसंद करता। दुनिया में हमारे मां बाप, हमारे भाई बहन किसी और के लिए तालियां बजाना पसंद नहीं करेंगे। उनको अगर दुनिया में सबसे अच्छा हीरो कोई लगता है तो वो हम हैं। और कहते हैं ऊपर वाले ने मौका दिया है हमें जिंदगी की शुरुआत। कहते हैं ग्रेट लीडरशिप की शुरुआत एक ग्रेट ड्रीम, एक ग्रेट सपनों से होती है। जिंदगी में जिन लोगों ने भी महान काम किया है उसकी शुरुआत महान सपनों से हुई है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो। क्या वो 22 साल की उम्र में सोचे थे कि क्रिकेट खेलेंगे? उन्होंने बचपन में एक ख्वाब देखा था कि एक दिन मैं दुनिया का महान बल्लेबाज बनूंगा। आज हैं। जितनी भी कहानियां उठा लें, दुनिया की किताबों में जितनी भी कहानियां आप पढ़ते हैं उसे पढ़ लें, वो सारी कहानियां तब लिखी गई है जब किसी ने शुरुआत की थी सपनों से। और इस बिजनेस की भी शुरुआत इन सपनों से होती है। अगर आपके पास एक सपने हैं, अगर आपके पास एक ड्रीम है, आपके पास एक चाहत है अपनी जिंदगी को संवारने की, तो आई थिंक इस धरती पे आपको कोई दूसरा नहीं रोक सकता। आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लोग कहते हैं ये बात सही है कि पत्थरों पे पानियों की बूंद गिरने से निशान नहीं पड़ते। ये सही है ना, पत्थरों पे पानियों की बूंद गिरने से निशान नहीं पड़ते, पर यह भी उतना ही सही है कि पत्थरों पे पानियों के गिरने से सुराग जरूर बन जाते हैं। पर हां, एक कोशिश में सुराग नहीं बनता है। क्या आप एक ग्लास पानी एक पत्थर पे डालोगे सुराग बनेगा? पर वो पानी सालों साल अगर उस पत्थर पे जाएगा तो सुराग बनेगा या नहीं बनेगा? ये बिजनेस भी यही सिखाता है। एक कोशिश में करोड़पति नहीं बनते, पर बार बार कोशिश करने से इस तरह से आप भी करोड़पति बनते हैं। ख्वाबों को लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आप ख्वाबों को लिखते हैं तो जिंदगी बदलती है। नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, ब्रूस ली, नाम सुने हैं? उन्होंने जब हॉलीवुड में काम करना शुरू किया था तो एक बार एक लेटर, उन्होंने चिट्ठी लिखा था अपने आप को, और जो उसमें उन्होंने लिखा था कि आज से 10 साल बाद मेरे पास करोड़ रुपए होंगे, मेरे दुनिया भर में फैंस होंगे, मेरे पास शानदार गाड़ी होगी, मेरा शानदार घर होगा, सब लोग मुझे चाह रहे होंगे और मैं हॉलीवुड का बहुत फेमस हीरो बनूंगा। और इस चिट्ठी को लिखने के, वो अपने आप को वो चिट्ठी लिख के अपने दराज में रख लिए थे। और इस चिट्ठी के लिखने के 3 साल बाद उनकी देहांत हो गई। और जब उनकी देहांत हुई थी तो हॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो थे। कहते हैं इंसान जिन ख्वाबों को लिखता है उन्हीं ख्वाबों को साकार कर पाता है। मुझे जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था अरे नहीं हुआ तेरा टारगेट। मेरे से लोग पूछते थे कब होगा तेरा माइल, मैं बोलता था अगले महीने। फिर पूछते थे अगले महीने कब होगा तेरा माइल, मैं बोलता था अगले महीने। फिर पूछते कब होगा तेरा माइल, अगले महीने। लोग जब पूछना छोड़ देते थे ना तब जाके मेरा माइल होता था।
मुझे याद है मेरे अप्लायंस सामने बैठे, ये लोग पूछते थे मनीष जी अगला महीना रॉयल्टी, बोला यस सर। मैं डाउनलाइन पूछते थे सर अगला महीना रॉयल्टी, बोला एकदम हो रहा है। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना ने पूछा और मैंने हर महीने बोला, और ये लोग जब पूछना बंद किए तब जाकर रॉयल्टी हुआ। अक्सर लोग बोलते हैं कि फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, टारगेट पूरा नहीं किया। मैं ये बात हमेशा कहूंगा, फेल तो वो लोग हुए जो रॉयल्टी करने का टारगेट नहीं लिए। मैं तो पास हुआ, कम से कम टारगेट तो लिया। अक्सर मेरे एसोसिएट भी कई बार सोचते हैं और मैं उनको हमेशा बताता हूं कि मैंने जो टारगेट बनाया, टारगेट में क्या होता है आप लोग को पता ना, डेट होता है, इतने तारीख तक ये चीज कर लूंगा। मैंने जो भी टारगेट बनाया वो 90% टाइम मैंने टारगेट को हिट नहीं किया। 90% टाइम मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट था तो पांच बनके यहां आना, मैं नहीं हुआ अभी, मैं आपको ओपनली कहता हूं। मेरा टारगेट था जब मेरा 1000 माइल होना नहीं हुआ, जब मेरा टारगेट था 500 माइल नहीं हुआ, जब मेरा घर बनाना टारगेट था उस डेट पे नहीं बना, जब मेरी कार खरीदनी टारगेट थी उस डेट पे नहीं आई, मुझे विदेश जाने का मैंने एक टारगेट बना था वो नहीं हुआ मेरा समय पे। 90% टाइम मेरा टारगेट फेल हुआ, पर उन सारे सपनों को मैंने पूरा जरूर किया। और आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले वक्त पे इसी स्टेज पे टोपाज भी हूंगा मैं। तो अपने ख्वाबों के डेट में पूरा नहीं होने से डरिएगा नहीं, कभी मत डरिएगा। वो जिंदा दिल लोग नहीं होते जो डेट फेल होने से अपने ख्वाब को बदल लेते हैं, जिंदा दिल वो इंसान है जो डेट के बाद भी डेट देता है एक बार फिर से कि फिर से कोशिश करूंगा। एक पुरानी सी, न जाने पानी कैसा, किसी को बोलूंगा तो पिएगा भी नहीं, और दूसरा कोई भी पी ले, ये दो बोतल है मेरे पास। जब पूछा जाता है लोगों से कौन सा पियोगे, कौन सा अच्छा है, हर कोई कौन सा अच्छा लग रहा है, राइट या लेफ्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन, सेकंड वन राइट। बनते वक्त पहले कैसा रहा होगा, दिस वन, ये कोट दिखती है, ये टाई दिखता है, ये करोड़ों रुपया कमा लिया, घर गाड़ी बंगला दिखता है और क्राउन ज्वेल का स्टेटस दिखता है, और तब लोग कहता है काश हमारी भी जिंदगी इनकी जैसी होती, लोग कहते हैं किस्मत वाला है। एक चीज आपको बताऊं, ये जो चमक ऊपर से दिख रहा है वो ड्यूसॉफ्ट की चमक है, पर एक चीज बताऊं, अंदर जो पानी दोनों में है ना एक ही है, हमारे और आपके अंदर एक ही खून है। ये बिजनेस हार्डवेयर का नहीं है, ये बिजनेस सॉफ्टवेयर का है। दुनिया की सारी कंप्यूटर एक ही तरह से बनती है पर सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं, इसलिए चलते अलग अलग हैं। हार्डवेयर बदलने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर हार्डवेयर मत बदलो, अपने सॉफ्टवेयर को बदलो। हम सभी लोग एक हैं, जैसे ये बोतल एक है, अगर कोई पहली बार देख लेगा ना तो कहेगा ये वाला पिएंगे, चिंता मत करो ये भी वही है, पी के देखो। जो हम कर सकते हैं ना वो हम सभी लोग कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे दुनिया में आज तक कुछ नहीं हुआ, किस्मत के भरोसे हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, तो किस्मत के भरोसे हम कैसे आजाद होंगे। किस्मत के भरोसे एक चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना सकती, तो हम अपने घर कैसे बना सकते हैं। किस्मत के भरोसे एक माचिस की तीली आ नहीं सकती, तो एक कार कैसे आ सकता है। किस्मत के भरोसे हम रिक्शे पे नहीं बैठ सकते, तो हवाई जहाज पे कैसे सफर कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे अगर दुनिया चलती तो कहीं किसी के इंटरव्यू नहीं होती। किस्मत के भरोसे अगर हवाई जहाज उड़ता तो पायलट का ट्रेनिंग नहीं होता, उसके किस्मत चेक किए जाते। किस्मत के भरोसे अगर इंसान सफल होता तो दुनिया में इतने कॉम्पिटिशन नहीं होते। अगर दुनिया में कोई सफल है तो अपने डिसीजन के बदौलत। और एक चीज बोलना चाहूंगा जो कल भी ऋषि सर ने बताया, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी दोनों साथ साथ आते हैं। एक कहानी आप सभी को पता है कि इंडिया टीम जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप खेलने गई थी हार गई, और उस समय झारखंड के एक लड़के को
जो टीम में नया नया था कैप्टन बना दिया गया और बोला गया जा खेल गया और सारे नए लड़के के साथ उसे भेज दिया गया 2020 के वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। पर वो जानता था कि दुनिया किस्मत से नहीं चलती, दुनिया फैसलों से चलती है, और उसने फैसला लिया मौका है कर दिखाएंगे, और कर दिखाया। 2020 इंडिया वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद दुनिया को धोनी के नाम को हम सभी लोग जानते हैं। और धोनी अपनी किस्मत के, आप अक्सर समाचारों में सुनते होंगे कि किस्मत के बड़े धनी हैं। किस्मत से कोई नहीं जीतता, वो अपने फैसलों से जीतते हैं। दुनिया अगर किस्मत से चलती है तो मेरी किस्मत किसने देखी और आपकी किस्मत किसने देखी है? ना मुझे मेरी किस्मत पता थी, ना आपको आपकी किस्मत पता है। हम सभी को पता है कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां कोशिश करो किस्मत कहां है किसको पता। हो सकता है ड्यूसॉफ्ट में ही किस्मत हो। अगर किस्मत पे भी भरोसा है तो कोशिश करो, हो सकता है किस्मत यहां तुम्हें इसीलिए लेके आया है कि यहीं से आप करोड़पति बनोगे। जो रोड पे एक बहुत गरीब मां थी जिसका पिता भी नहीं था, और वो बच्चा अपनी मां के हाथ को पकड़ के खड़ा था, और राजा की सवारी जा रही थी, राजा के बच्चे हाथी पे जा रहे थे, और एक बच्चा, राजा का बच्चा उतरता है हाथी से, और एक फकीर रोड के किनारे बैठा था उसके पास जाता है और बोलता है बाबा मेरे हाथ देखना और बताना मेरे हाथों की लकीर कैसी है। तो बोलता है आप बहुत प्रतापी राजा बनोगे, आप दुनिया पे राज करोगे। राजा खुश होता है, उसको सोने की हार निकाल के मोतियों की दे देता है। वो बच्चा जो अपनी माँ को खड़ा था हाथ पकड़ के बोला मामा मैं भी राजा बनूंगा, उसकी माँ ने उसका मुंह पकड़ लिया, कोई सुन लेगा तो फिर आफत आ जाएगी। वो बच्चा अपनी माँ का हाथ छुड़ाता है और दौड़ के रोड के दूसरे साइड जाता है और उस बाबा को दिखाता है, बाबा मेरी हाथों की लकीर देखिए मैं राजा बनूंगा या नहीं। वो फकीर देखता है, ऊपर नीचे देखता है, उसकी हाथों को नहीं देखता है, बोलता है तेरे हाथ में वो लकीर ही नहीं है कि तू राजा बन सकता है। बोलता है कौन सी लकीर होनी चाहिए? उस फकीर ने बोला यहां से यहां तक एक लकीर लंबी सी होती है। वो बच्चा दाएं बाएं देखता है, दौड़ता है, एक किनारे की तरफ कांच का एक टुकड़ा था उठाता है और हाथों को चीर लेता है और उस फकीर को ले जाकर दिखाता है, देखिए बाबा मेरे हाथों में लकीर बन गई है और मैं आपको एक दिन दुनिया का राजा बन के दिखाऊंगा। और वो इंसान कोई और नहीं, वो नेपोलियन बोनापार्ट था जिसने पूरे यूरोप पे राज किया। किस्मत इंसान के फैसले और इरादों पे होती है। किस्मत किसी के हाथों में के लकीरों में नहीं होती, उसके फैसले और उसके इरादों पे होती है और एक कदम और आगे चलने की हिम्मत पे होती है। कि क्योंकि दुनिया में बहुत सारे राजा पैदा लिए जिन्होंने ये ठाना कि एक दिन मैं दुनिया जीत के दिखाऊंगा, पर दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे पैदा लिए जो दुनिया को जीतने के लिए अपने घर से निकले, और जो घर से निकले उन्हें हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। कि हाथों की लकीर पे दुनिया नहीं चलती, किस्मत के सितारों पे दुनिया नहीं चलती, क्योंकि दुनिया तो उनकी भी बनती है जिनके हाथ भी नहीं होते। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि आपकी किस्मत आपको आगे ले जाएगी या आपके फैसले आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि कहानियां उन्हीं की लिखी जाती है जो फैसले लेने की हिम्मत करते हैं और अपने फैसले पर डटे रहते हैं और उस पर लगातार आगे चलते हैं। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।